आते हैं। बिहार में 5 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग चल रही है। 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत सामने आया है उसके मुताबिक बिहार में ओवरऑल अगर हम बात करें तो 10.18% वोटिंग परसेंटेज अभी तक हुए हैं। और हम अगर सीट वाइज बात करें, दरभंगा लोकसभा सीट की बात करें तो 11.61% मतदान अभी तक हुए हैं दरभंगा लोकसभा सीट पर। समस्तीपुर में देखिए 11.11% वोटिंग अभी तक हुए हैं, ये परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। आगे बात करेंगे उजियारपुर लोकसभा की सीट पर, यहाँ पर थोड़ा कम है, 9.31% वोटिंग अभी तक हुए हैं। यहाँ पर आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन और चढ़ने लगेगा, लोग मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो वोटिंग प्रतिशत और बढ़ेगा। बेगूसराय की बात कर लेते हैं, बेगूसराय में 8.85% मतदान अभी तक किए गए हैं, 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंट आपको बता रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट पर 10.26% वोटिंग अभी तक हुए हैं, यानी सबसे कम अगर हम देखें तो बेगूसराय में अभी तक वोटिंग सबसे कम रहा है। हालांकि उत्साह लोगों में दिख रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे वक्त जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा लोग भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। और अभी भी अगर आपने वोट नहीं डाला है तो न्यूज 18 बिहार झारखंड आपसे अपील करता है कि अब तक अगर आप मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं तो आप जरूर जाइए, अपना वोट आप जरूर डालिए। बिहार की अगर आप इन 5 लोकसभा सीटों में रहते हैं तो अपने इस अधिकार का इस्तेमाल आज आप जरूर कीजिए। और देखिए आपके लिए पूरी तैयारी मतदान केंद्र पर की गई है, आप वहां जाएंगे तो आपको किसी भी परेशानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपको ये वोटिंग परसेंटेज भी दिखा रहे हैं। और देखिए मेरे सामने आप जो ये वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं इसमें हम आपको 9 बजे तक का बिहार का वोटिंग परसेंट बता रहे हैं। अभी अगर हम बिहार के वोटिंग परसेंट को देखें 10.18% ओवरऑल बिहार में अभी तक मतदान जो है वो हुए हैं। यह आंकड़ा और आगे बढ़ेगा, उसमें क्या कुछ नजर आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है इसके मायने भी समझाएंगे। बेगूसराय से शुरुआत कर ले, बेगूसराय में देखिए 8.85% मतदान अभी तक हुए हैं, सबसे कम 5 लोकसभा की सीटों में सबसे कम मतदान अभी तक यही पर हुआ है। 10.26% जो है अब मुंगेर में अभी मतदान हुए हैं, 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं। अगली लोकसभा की सीट की बात कर लेते हैं दरभंगा की, दरभंगा में 11.61% मतदान जो है अभी तक हुए हैं, ये वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का आपको बता रहे हैं। अगली लोकसभा की सीट जो है बिहार की जहां वोटिंग चल रही है वो है समस्तीपुर, 11.11% वोटिंग यहां पर अभी तक हुए हैं, आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ेंगे। उजियारपुर लोकसभा सीट पर 9.31% मतदान अभी तक हुए हैं। तो बिहार का ये वोटिंग परसेंटेज आपके सामने है और ये वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है इसके मायने भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड रहा है, जो देखने को हमें मिला है, उसमें हमने देखा है कि अगर आप देखें तो अभी तक जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं बिहार में उसमें परसेंटेज काफी कम रहा है वोटिंग का, क्योंकि 2019 में के मुकाबले अगर हम देखें तो अभी तक वोटिंग परसेंटेज थोड़े कम किए गए हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बार कैंपेन ज्यादा चलाया गया, लोगों से ज्यादा अपील भी की गई, लोगों को जागरूक भी किया गया है, तो क्या उसका असर इस बार 4th चरण में देखने को मिलेगा। और मेरे सामने आप ये देख पा रहे हैं वोटिंग परसेंटेज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और ये देखिए बिहार में 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंट है जिसमें हम आपको लोकसभा की सीटों के हिसाब से बता रहे हैं। बिहार में 5 लोकसभा की सीटों पर अभी वोटिंग जो है वो चल रही है और उनमें अगर सबसे पहले हम आपको बताएं 9 बजे का वोटिंग परसेंटेज क्या है तो समस्तीपुर में 11.11% वोट डाले गए हैं, उजियारपुर लोकसभा सीट में 9.31% अभी तक मतदान हुआ है। इसके साथ ही अगली लोकसभा की सीट की अगर हम बात करें कि वहां पर 9 बजे तक कितने वोट डाले गए तो मुंगेर की बात कर लेते हैं, मुंगेर में 10.26% मतदान हुए हैं, बेगूसराय में 8.85% मतदान हुए हैं जो कि सबसे कम है। न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। विनीता क्या कहता है ये वोटिंग परसेंटेज, अभी तक ओवरऑल बिहार में 10% वोटिंग हुई है, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है? बिल्कुल 9 बजे तक का जो प्रतिशत है वो अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है जिसके मुताबिक पूरे बिहार में अभी 10.18% अभी तक मतदान हुए हैं, जबकि अगर दरभंगा की हम बात करें तो दरभंगा में सबसे अधिक लोगों
मतदान के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं, सबसे अधिक वोटिंग हुई है जबकि बेगूसराय में सबसे कम प्रतिशत है। हालांकि निर्वाचन आयोग का साफ तौर पे कहना है कि अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। लगातार हम भी मतदाताओं से आग्रह कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, मतदान सबका अधिकार है, मतदान करना चाहिए। हालांकि जो चरणों की हम बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से पहले चरण में 5% 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई थी, वहीं दूसरे चरण में निर्वाचन आयोग ने कोशिश की कि परसेंटेज ज्यादा बढ़ाया जाए और ठीक परसेंटेज थोड़ा बढ़ा भी। दूसरे चरण में 4% पिछले चुनाव से कम वोटिंग हुई, लेकिन तीसरे चरण की हम बात करें तो तीसरे चरण में जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने लगातार कोशिश की, लोगों को जागरूक करने की कैंपेन चलाया गया, लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया और उसका असर भी नजर आया। शायद मौसम भी थोड़ा तीसरे चरण में सही था, इस वजह से सिर्फ 2019 के मुकाबले 1.5% लोगों ने कम मतदान किए, लेकिन अभी 9 बजे का जो मतदान प्रतिशत है उसके मुकाबले सिर्फ 10% के आसपास लोगों ने अभी वोटिंग की है। हालांकि 9 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है, दिन जैसे जैसे चढ़ेगा मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद 3 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़े। उम्मीद यही है कि जो 2019 में चौथे चरण के तहत जितनी वोटिंग प्रतिशत हुई थी उससे बढ़ाया जाए, लेकिन ओवरऑल 6 बजे ही पता चलेगा कि इस बार निर्वाचन आयोग की कोशिश कितनी कामयाब हुई है, मतदाता कितने जागरूक हुए। बिल्कुल विनीता, इंतजार होगा फाइनल वोटिंग परसेंटेज का, जिससे हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसके क्या कुछ मायने हैं। और दर्शकों को बता दें कि बिहार में 5 लोकसभा की सीटों पर अभी वोटिंग चल रही है और जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आए हैं उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी ये परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आए हैं जो हमने देखा है, दरभंगा में सबसे ज्यादा वोट